आप सभी बच्चों का इंद्रास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें सीपी दिया है कॉस्ट प्राइस ₹90 और एसपी सेलिंग प्राइस ₹100। सीपी कॉस्ट प्राइस ₹90 है और एसपी है ₹100। जब भी एसपी यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का होगा? एसपी माइनस सीपी करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 100, सीपी कॉस्ट प्राइस 90। 100 में से 90 माइनस करेंगे 10। ये 10 जो है ये प्रॉफिट होगा या गेन होगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमें प्रॉफिट है ₹10 का, सीपी हमें दिया हुआ है 90 इंटू 100। इसे हम सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 9। 100 अपॉन 9 को हम जब इसमें डिवाइड करेंगे 100 में 9 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 11:1/9 परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंट होगा, या हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं। 11 डेसिमल लगाएंगे तो 0, फिर 9 1 9, तो यहां पर वैल्यू आएगी 11.11%। ये होगा प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, इस दूसरे क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है ₹120, सेलिंग प्राइस ₹80। जब भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस है 120, इससे हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा। लॉस इज इक्वल टू ₹40। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है ₹40 का, सीपी है 120 इंटू 100। इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, और 3 से 100 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर 100 में 3 से 3 3 9, फिर 3 3 9, हमारे पास वैल्यू आएगी 33:1/3%। और अगर हम इसे डेसिमल में निकालेंगे, तो डेसिमल के लिए फिर से हम डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, इसी तरह से वैल्यू होगी 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया है ₹200, कॉस्ट प्राइस दिया है ₹150। सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, यानी 200 में से 150 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 50। 50 हमारे को क्या वैल्यू मिलेगी? प्रॉफिट की, ₹50। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 50 का, कॉस्ट प्राइस है 150 इंटू 100। डिवाइड करेंगे 5 से 15 में 3, 100 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 33:1/3% या 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस दिया है हमारे पास 200,
कॉस्ट प्राइस है 240। जब भी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ग्रेटर होगी सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होगा। लॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। 240 में से 200 माइनस करेंगे हमारे पास रुपीज 40 लॉस आएगा। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 40 अपॉन 240 इंटू 100। जीरो से जीरो कट किया, 4 से 24 में डिवाइड किया 6, फिर 2 से 6 में 2 3 जा और 2 से 100 में 50। हमारे पास यहाँ वैल्यू आई 50 अपॉन 3। 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16:2/3%। ये लॉस परसेंट होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।